डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्रिकेट 2020 इन एसोसिएशन विद प्लेयर्स स्पॉट, इंडियाज न्यू गेमिंग डेस्टिनेशन। शनिवार रात को शारजाह में हुआ दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत, और इस मैच में हुई रनों की बौछार अगर हम बात करें पहली पारी की, और शारजाह का मैदान है यहाँ पर तो रनों की बरसात होती ही है, और कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली हमें दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों से। और अगर हम बात करें सबसे अहम जिसने रोल निभाया है, श्रेयस अय्यर जो कप्तान है, उन्होंने तो बनाई ही 88 रन, लेकिन काबिले तारीफ हैं पृथ्वी शॉ, क्योंकि उनका एक अहम योगदान रहा। वो बतौर ओपनर उतरे थे क्रीज पर और एक बार फिर से उन्होंने आईपीएल में अपना दमखम दिखाया। जी हाँ, 66 रनों की पारी खेली इस युवा बल्लेबाज ने, 41 गेंदों पर 66 रन बनाए, 4 चौके और 4 छक्के, 160 के करीब इनकी रही स्ट्राइक रेट। और अगर हम बात करें इस युवा बल्लेबाज की तो हम आपको बता दें ये मुंबई से हैं और इन्होंने 14 वर्ष में ही सुर्खियां बटोर ली थी जब इन्होंने एक स्कूल लेवल क्रिकेट रिकॉर्ड बनाया था। हैरिस शील्ड में इन्होंने 546 रन बनाए थे और इन्होंने लगाए थे 85 चौके और 5 छक्के। अगर आपको याद हो उस वक्त से ही इनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से की जा रही थी और आज भी इनको नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है। उनका कारवां वहीं नहीं रुका था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब उनका डेब्यू हुआ मुंबई की तरफ से वो खेले और अपने डेब्यू मैच में ही इन्होंने सेंचुरी लगाई और मुंबई को फाइनल्स तक ले गए। अगर उनकी सेंचुरी नहीं होती, उनकी पारी नहीं होती तो मुंबई शायद फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाता, ऐसा मानना है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप की आप बात करें, ठीक एक साल बाद जो 2018 का वर्ल्ड कप हुआ था, अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पर कप्तान थे पृथ्वी शॉ और भारत को वर्ल्ड कप की जीत दिलाई थी पृथ्वी शॉ ने। उनकी अगुवाई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था फाइनल मुकाबले में और खुद भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन था बल्ले से पूरे वर्ल्ड कप की आप बात करें तो। और उसके बाद 2018 में, एक साल बाद अंडर 19 वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड कप की बात करें, ठीक उसी साल अगर हम बात करें आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल से इनका नाता जुड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनका प्राइस टैग था अगर हम बात करें, और तब से ये दिल्ली कैपिटल्स को एक अच्छे प्रदर्शन दिखाते हुए हमने उनको देखा है। एक के बाद एक इनकी बहुत ही इम्प्रेसिव पारियाँ रही हैं। अगर हम बात करें इस आईपीएल में तो इससे पहले वो पिछले मैच जो उन्होंने खेला चेन्नई के खिलाफ भी उन्होंने 64 रन बनाए थे और अपनी टीम की जो जीत हुई थी उसमें उनका अहम योगदान था। और हम इस बार जो मैच हुआ है शनिवार को, जो मैच हुआ शारजाह में, पृथ्वी शॉ भी हमें उभरते हुए कलाकार, उभरते हुए सितारे दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें भारतीय क्रिकेट की तो मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्रिकेट 2020 इन एसोसिएशन विद प्लेयर्स स्पॉट, इंडियाज न्यू गेमिंग डेस्टिनेशन।